इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में डिवाइस एंड प्रिंटर्स किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए सबसे पहले टाइप हियर टू सर्च में इंटर करना है कंट्रोल पैनल। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंट्रोल पैनल, आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, फिर आपको व्यू बाय कैटेगरी पर क्लिक करना है और लार्ज आइकन्स को सिलेक्ट करना है। फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। यहाँ आप देख सकते हैं दिखा रहा है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, आपको इस पर क्लिक करना है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस तरह आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ओपन कर सकते हैं लैपटॉप में। मैं इसे क्लोज करता हूँ। एक और तरीका है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ओपन करने का, आपको डायरेक्ट टाइप हियर टू सर्च में इंटर करना है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं।